उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से चल रहे दो दिवसीय प्रदेश जूनियर बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण एवं समापन किया गया, जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमों ने इस खेल में प्रतिभाग किया, जिसके मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला एवं वरिष्ठ अतिथि सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला रहे। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथि को बैच लगाकर तथा बुके देकर स्वागत किया तथा प्रतियोगिता में भाग लिए सभी विजेता को सदर सांसद ने पुरस्कृत किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों को गांव-गांव में जिम, व्यायामशाला, खेल मैदान को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खूब खेलो, डटकर खेलो और हार कभी मत मानो, सफलता जरूर प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी गांव, देहात और शहर के बच्चों को आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजेश कुमार पांडे, समरेंद्र विक्रम सिंह, नफीज अहमद, सुजीत कुमार, रीना सिंह, अरुण श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। आप माने केवल सांसद ही नहीं, एक बहुत भोजपुरी के बेहतरीन और बहुत ही मशहूर एक्टर हैं और युवाओं के दिल में राज करते हैं, युवाओं की इच्छाओं पर राज करते हैं। और हमारे पीछे मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि एक भव्य और जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय सांसद जी, हमने मैसेज भेजा कि आपको खिलाड़ी याद कर रहे हैं, आप समझ में नहीं आता है के हाल बा सब लोगों का। बोला भारत माता की, भारत माता की। मैं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश एथलीट संघ के समन्वय आयोजित प्रदेशी जूनियर बालक बालिका तथा एथलीट के प्रतियोगिता के समापन की आज घोषणा करता हूं और साथ साथ मैं मंच पर हमारे आजकल एकदम अद्भुत जो छाए हुए हमारे विधायक जी प्रदीप शुक्ला जी का मैं अद्भुत स्वागत करता हूं और एक विधायक के रूप में उनकी कार्यशैली सहजनवा क्षेत्र में और समस्त उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। मुझे महाराज जी के गौरव हैं, गर्व हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की सेना के रूप में हम लोग सेवा जो कर रहे हैं। मनीष सिंह जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, एनडी सोलंकी जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आदित्य प्रताप सिंह जी को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा, बालकृष्ण अग्रवाल जी को, श्री अरुण श्रीवास्तव जी को। और व्यवस्थाएं थी न, सपनों को पूरा करना था, मुझे बंबई भागना पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन आज सपने आपके गांव चल कर आ रहे हैं। आपके साथ प्रदेश की सरकार है, आपके साथ मोदी जी है, आपके साथ योगी जी है। आज आप लोग ओलंपिक्स में जा सकते हो, आज गांव के लड़के हमारे नाम कर रहे हैं ओलंपिक्स में। आज भारत चाइना और अमेरिका से कहीं भी किसी भी अवार्ड या ओलंपिक, आप लोग खेलो, आप लोग गाओ, आप लोग पढ़ो, सरकार आपके साथ है। आप लोग हिम्मत दिखाओ, कोई चीज की कमी नहीं होगी, ना आप लोगों की किट में, ना आप लोगों के लिए ग्राउंड में, ना आप लोगों के लिए जिम में, ना आप लोगों की कोचिंग में। खाली खेला हो, आगे बढ़ा, हर तरीके से सरकार साथ दी। पूज्य महाराज जी का ही वादा बा, ये वचन बांटे, हमारे मोदी जी का ही वादा बा, ये वचन बांटे, मेरे देश के बच्चे, मेरे प्रदेश के बच्चे, मेरे उत्तर प्रदेश के बच्चे, मेरे पूर्वांचल के बच्चे, मेरे गोरखपुर के बच्चे आगे बढ़े, हम लोग साथ हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विजेता टीम को मैं साधुवाद,
धन्यवाद देता हूं सेकंड रनर अप को भी, थर्ड रनर अप को भी। आगे बढ़ो, हार नहीं होती, हर हार के बाद जीत होती है। मेरी कुछ फिल्म फ्लॉप भी हुई थी, कभी हिट हुई, फिर मैं सुपरस्टार बना, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। इसमें खिलाड़ियों को कौन से चार्ज लगाने होते हैं और कौन है जो आज जोड़ के निवेदन करता हूं जो हमारे पोडियम के सामने खड़े हैं कि कृपया साइड में आप उधर बैठ जाइए, स्टेयर्स पे बैठ जाइए। ना आपका मनोबल बढ़ाया जा रहा, हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक एक खिलाड़ी और ऑफिशियल और कन्हैया आगरा, अभिषेक कुमार और कन्हैया राज, अभिषेक कुमार और कन्हैया तीनों। थर्ड कौन है? आ जाओ बेटा। बनारस, हरिगंज, मेरठ, 400 मीटर हटे रुक जाएगा। तुम लोग बहुत बाजू भागने जाओ, कोई बात नहीं। देखो जो यहाँ देख में आयुष और तन्वीर अहमद, मेरठ, लखनऊ, बनारस। सब बच्चे हैं। ये कौन से बच्चे हैं? थोड़ा विक्ट्री करो, थोड़ा दिखाओ सर। अभी झंडा अवरोहण, आइए मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मोदी जी का सपना था कि गांव देहात के लड़के ओलंपिक्स में जाए, और ओलंपिक में आज हम लोग मेडल लेके आ रहे हैं। हम लोगों की का रिजल्ट बहुत अच्छा है आज, उसी को लेके राज्य सरकार द्वारा, पूज्य योगी महाराज जी द्वारा स्पोर्ट्स रहा, तो पूरे स्टेट के बच्चे यहाँ आए थे, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, विजेता गण से लेके सेकंड रनर अप सब लोगों ने बहुत। और ये आज ऐसे कुछ बच्चे हमको दिखाई दिए गोरखपुर के भी, जो हमको ओलंपिक्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत सुखद अनुभव था और ये बहुत सुखद संकेत है कि आने वाला समय हमारा उत्तर प्रदेश बहुत सारे गोल्ड, कांस और सिल्वर लेके आएगा, और गोरखपुर के बच्चे उसमें बहुत अग्रीण भूमिका में रहेंगे। ये आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि भाई ऐसी सरकार, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो आजकल के बच्चे की, ऐसी सरकार आप लोगों को मिली है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, निस्वार्थ सरकार जो हमारे बच्चों को, हमारे गांव देहात के ग्रामीण गरीब बच्चों को आगे बढ़ा रही है।